अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली एंड होप यू आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताया करें कि कैसे हैं आप सब। आज ही मॉर्निंग में आप देख रहे हैं कि कितनी फ्रेश सब्ज़ी है। इस फ्रेश सब्ज़ी को देखकर मैं भी फ्रेश हो गई और यहाँ पर सुबह ही सुबह इतनी फ्रेश सब्ज़ी मार्केट से आ गई थी जो कि बनानी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर था। अल्लाह की कुदरत देखें, माशाल्लाह से कलर्स इतने कलरफुल लगते हैं वेजिटेबल्स के, और ये कोई हम इंसान भी नहीं बना सकते, इतने खूबसूरत कलर हैं ये। तो ये है जी शायद शलजम, इतना मुझे भी आइडिया नहीं है। ये है पुदीना और आज ये आ गया है साग भी हमारे घर पर काफ़ी टाइम बाद फिर से, जो कि हमें बनाना है। और ये साग के साथ जो जो चीज़ें डलती हैं अब वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी अम्मी से पूछकर, मुझे तो ऐसा रेसिपी नहीं पता। तो अभी आप वीडियो देखें और इन्जॉय करें इस ग्रीन वेजिटेबल्स को। अब जी जनाब, यहाँ पर मैंने बनाया है सैंडविच ग्रिल्ड और ब्राउन ब्रेड के साथ, और एक शामी कबाब लिया है। और शामी कबाब मैंने बनाए थे रात को। तो मैं यहाँ पर खाती हूँ सैंडविच और मैं यहाँ पर करती हूँ कटिंग साग की, अम्मी की हेल्प करती हूँ। जब तक आप लोग जाकर फटाफट रेसिपी देखें चिकन शामी कबाब की। हाँ जी, तो जनाब यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, चिकन बोनलेस भी लिया है और चिकन थोड़ा सा मैंने गोश्त नरम वाला भी लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 किलो दाल ली थी, चिकन भी मेरी ज़्यादा थी, लहसुन अदरक के 2 चम्मच और 1 मीडियम प्याज और 1 मैंने शामी को आपकी डब्बी ली शान की। तो मसाला ये कम था, वो मैं आपको आगे रेसिपी में आप देखेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 जग पानी, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने दाल को भिगोया हुआ, मैंने 3 घंटे भिगो लिया था तो मुझे पानी इतना ही चाहिए था। यहाँ मैंने चिकन डाल दी है और अब मैं यहाँ पर इसको चूल्हे पर रख दूँगी। चूल्हे पर रखने के बाद मैंने इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और अब मैं इसमें शान की डब्बी डाल दूंगी। 1 डब्बी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो ज़्यादा करिएगा। और अभी मैं इसमें स्पाइसेस और डालूंगी, लेकिन शान का मसाला इसलिए डाला ताकि अभी ये थोड़ा सा कुक हो जाए और थोड़ा सा टिक्का टाइप का फ्लेवर आए। तो मैंने ये डाल दिया और यहाँ पर दाल डाल दी। और अब मैं इसको कुक होने के लिए, पहले आपने इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पर बॉईल करने से पहले इसको ढक दिया था कि अच्छी तरह बॉईल इसका स्टीम में आ जाएगा और ये एकदम तेज़दार बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी दाल और चिकन अच्छी खासी, ये आप देख सकते हैं, बॉईल हो गया। मैंने 1 चम्मच घुमा दिया ताकि मसाला अच्छी तरह घूम जाए, और आपने इसको चम्मच बिल्कुल नहीं घुमाना ताकि दाल कोई ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट रेडी था सब कुछ बैटर, तो मैंने यहाँ पर थोड़े स्पाइसेस डालने थे, नमक डाला मैंने, गर्म मसाला डाला, काली मिर्च डाली, दड़ा मिर्च डाली, ज़ीरा डाला एंड मैंने इसमें हल्दी डाली और लाल मिर्च डाली। तो आप लोग ये अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने सब 1-1 चम्मच भर के डाला क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी। और ये मैंने एक स्पेशली बनाया, ये मैं आप लोग को आप अलग व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने इतने शामी को आप क्यों बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह इसको स्पाइसी करके, और इसी ही टाइम पर मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी, तो आप लोग भी डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पता नहीं वीडियो में स्किप हो गया है मुझसे, तो आप इसमें 8 अदद हरी मिर्चों को कूट कर इसमें डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह पका लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी दाल गल चुकी है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से सारी चिकन निकाल लूँगी और चिकन को, बोन्स को और चिकन को अलग कर लूँगी, रेशा रेशा कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैं चूल्हे पर पानी और दाल को सुखा लूँगी कि पानी उसमें से ड्राई हो जाए। तो मैं यहाँ फटाफट चिकन को स्ट्रेट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर ये आप दाल का फॉर्म देख सकते हैं, पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है, दाल फुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें श्रेडेड चिकन शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी।
यहाँ मैंने बैटर को ठंडा होने दिया था और फिर मैंने इसको चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया था। आप चाहें तो हम आम दस्ते में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बैटर को थोड़ा सा ठंडा होने दें, तभी अच्छा सा टेक्सचर फॉर्म होता है रेशे वाला। और चिकन शामी को आप रेशे वाले बहुत ही यम्मी लगते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे और उसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है और अब मैं इसको शामी के मिक्सचर में शामिल कर लूँगी। अंडे डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली थी। आप ये शामी के टेक्सचर को देख सकते हैं, कितने रेशेदार कबाब बने हैं और बहुत ही यमी बनते हैं चिकन शामी को। आप जिनको गोश्त के पसंद नहीं है वो चिकन के बना सकते हैं। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी और बहुत ही यमी रेसिपी है। एक बार आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। मैंने इसको मोल्ड की शेप दी है क्योंकि मुझे सारे शेप्स एक ही साइज में चाहिए थे और फिर मैंने इसको बनाकर फ्रीज कर दिया था। यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया था और ये क्रिस्पी से मेरे शामी को रेडी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। और अभी से ही आप लोग फ़ौरन से जल्दी से किचन में जाए इसको बनाएँ और जी जनाब।